मेरे दोस्त, YouTube ने एक ऐसा अपडेट लाने वाला है जिससे आपके वीडियो पे व्यूज आने का चांस 10 से 50 गुना तक बढ़ जाएगा। जी हाँ, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम वीडियो पे मेहनत करते हैं, हमारी वीडियो वायरल नहीं होती, YouTube हमें प्रमोट नहीं करता। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि YouTube चाहता है कि आपकी वीडियो वायरल हो, YouTube चाहता है कि आपकी वीडियो पे व्यूज आए, लेकिन जब आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तब। क्योंकि देखो, आपके कमाई में कहीं ना कहीं YouTube का भी फायदा है, आप जो कमाते हो ज़्यादा हिस्सा तो YouTube रखता है, तो वो चाहता है जब आप ज़्यादा कमाओगे, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपकी वीडियो पे व्यूज जाएगा, तो YouTube ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो YouTube हमेशा कंटेंट क्रिएटर को प्रमोट करता है, लेकिन जब कंटेंट क्रिएटर उस लायक हो तब। इसलिए YouTube बहुत बेहतरीन अपडेट ला रहा है जिस वजह से आपकी वीडियो पे व्यूज आएगा। वो अपडेट क्या है, किस तरीके से आपको यूज करना है, कब आएगा वो अपडेट, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था कि YouTube पे वीडियो वायरल होने के लिए दो तीन चीज हमें चाहिए। पहला तो एल्गोरिथम को, आपकी वीडियो को समझने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से क्या करता है, YouTube को एल्गोरिथम समझता है कि आपकी वीडियो किस बारे में है। जैसे आप कभी किताब लेते हो तो किताब में भी पहले पन्ने में ही लिखा रहता है किताब किस बारे में है, क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हो, जिस वजह से YouTube को एल्गोरिथम आपकी वीडियो को पढ़ता है, रीड करता है, तब जाके उस ऑडियंस को पहुंचाता है। जैसे एग्जांपल में मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे टाइटल में कहीं ना कहीं वो कीवर्ड लिखा हुआ है जिस वजह से मेरी वीडियो आपके पास पहुंची। ठीक, अगर यही डिस्क्रिप्शन कीवर्ड या फिर वीडियो में भोजपुरी गाना होता, जो लोग भोजपुरी देखते हैं तो उनके पास सजेस्ट करती। इसका मतलब यह है कि यूट्यूब को एल्गोरिथम ये समझता है पूरी बात कि किसे दिखाना है किसे नहीं दिखाना है, जिस वजह से आपको कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो YouTube का यही अपडेट आया है। पहला अपडेट देखो, वीडियो वायरल करने के लिए पहला चाहिए आपको थंबनेल। ठीक है, थंबनेल आपकी वीडियो का मेन जान होता है। अगर आप थंबनेल में अच्छा खासा क्लिक कर लिए, कहते हैं कि जो यूट्यूबर अच्छा बोलना सीख गया, जो यूट्यूबर अच्छा थंबनेल बनाना सीख गया, उसको यूट्यूब ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसी प्रकार YouTube ने एक अपडेट ला दिया है, अभी ला देगा, अभी तो ये टेस्टिंग में चल रहा है। एक नया अपडेट लाने वाला है कि भैया अब आपको तीन थंबनेल लगाने का मौका देगा, आप तीन थंबनेल लगा दीजिए, तीनों थंबनेल में जो सबसे बेस्ट होगा वो YouTube बता देगा कि भैया ये थंबनेल बढ़िया है, दो हटा के इसे रख लो, वो आपकी ऑडियंस को दिखाएगा। ये अपडेट आप सभी को पता होगा। ठीक, लेकिन एक नया अपडेट ला दिया है। नया अपडेट क्या है कि अभी तक आपको टाइटल सजेशन का ऑप्शन दे रहा था, अब आपको क्या देगा, टाइटल सजेस्ट करेगा YouTube खुद। जैसे आपको पता है, जैसे कोई भी वीडियो किसी ऑडियंस पास दिखती है होम स्क्रीन पर, तो उसे दो चीज़ दिखता है, आपके वीडियो का थंबनेल दिखता है और टाइटल दिखता है। थंबनेल से वो रुकता है स्क्रॉल करते हुए, उसकी आई कैचिंग, उसके दिमाग में सस्पेंस पैदा होता है, टाइटल ही निर्धारित करता है कि वो आपकी वीडियो को देखे या ना देखे। तो जिस वजह से YouTube खुद आपको टाइटल सजेस्ट करेगा, जैसे ही, ऐसा नहीं कि भैया आप वीडियो अपलोड करते तुरंत दे देगा आपको टाइटल, ऐसा नहीं करेगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के बारे में अच्छे से लिख दोगे, डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बता दोगे भैया ये मेरी जो वीडियो है इस टॉपिक पर बात हो रही है, तब जाके YouTube आपको देगा टाइटल सजेस्ट, तीन चार टाइटल सजेस्ट करेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ की गारंटी आपको यह रखना है कि कोई भी ऐसा टाइटल जो कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है वो आपको नहीं लगाना है, YouTube बता देगा, क्योंकि YouTube का AI है, वो बता देगा आपको। अभी धीरे धीरे उसमें सुधार करेंगे ये लोग, अभी तो नया है, जिस वजह से टाइटल में कुछ ऐसे वर्ड भी बता सकता है जो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो। लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि मेरे को क्या बेस्ट है, क्या जेन्युइन है, वो टाइटल उठा के अपने वीडियो में लगाओ, जिस वजह से आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। समझ रहे हो ना, तो मतलब YouTube खुद चाह रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी वीडियो पे व्यूज़ आए। तो आपको ये अपडेट जानकर कैसा लगा, ये अपडेट बहुत जल्द हम सभी के पास देखने को मिल जाएगा और आपके पास भी देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से वीडियो पे व्यूज आने का चांस बढ़ जाएगा। तो भाई बस कंटेंट पे फोकस करो, अपनी मेहनत करते रहो, कंटेंट में फोकस करो, वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, बोलने का क्वालिटी बढ़ाओ, बहुत सारी चीज़ें बढ़ाओ, बाकी जो कुछ भी है कीवर्ड वीवर्ड वो सब कुछ तो यूट्यूब ही बता देगा। अब बाकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन किस लिए होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे YouTube को एकदम पहचानता है, सारी चीज़ उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, जाके देखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।